के दर्शन करने जा सकते हैं राहुल गांधी। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर दरअसल आई है। नामांकन से पहले राम मंदिर पहुंच सकते हैं राहुल गांधी, रामलला के दर्शन कर सकते हैं और उनकी बहन प्रियंका गांधी भी उनके साथ जा सकती हैं। 26 अप्रैल को वायनाड में वोटिंग है, इसके बाद फैसला संभव है। 1 से 3 मई के बीच में नामांकन राहुल गांधी की ओर से दायर किया जा सकता है। रायबरेली से प्रियंका गांधी के चुनाव लड़ने की चर्चा हो रही है। दोनों सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान नहीं, लगातार संशय बना हुआ है। चर्चाएं की जा रही हैं कि कौन सा चेहरा उतरेगा, लेकिन अभी फिलहाल चर्चाएं जब और तेज हुई हैं तो उसी बीच में जो एक और बड़ी खबर सामने आती है वो ये कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी रामलला के दर्शन करने के लिए अयोध्या पहुंच सकते हैं। 1 से 3 तारीख के बीच में नामांकन दाखिल होना, उससे पहले ये कहा जा रहा है कि दर्शन पूजन करने के लिए पहुंचेगी कांग्रेस पार्टी के ये दो चेहरे। वो पार्टी जिसने प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में जाने से इनकार कर दिया था, वो पार्टी जो लगातार इस बात को लेकर सवाल उठाती रही कि क्या ये सब कुछ सिर्फ चुनावों के लिए नहीं किया गया, जिस पार्टी ने, जिन चेहरों ने, जिन नामों ने लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ किया, क्योंकि लोग ये आरोप लगाते रहे जब उनसे बातचीत की गई कि आस्था से कम खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। राजनीति भले ही आप करें और करनी भी चाहिए, विपक्ष का काम है स्वस्थ राजनीति करना, लेकिन जब धर्म पर बात आती है, लोगों की आस्था पर बात आती है, तो लोग सवाल जरूर खड़े करते हैं। और देखिए, लोकसभा चुनाव 2024 के लिए पहले चरण का मतदान पूरा हुआ, दूसरे चरण के लिए वोटिंग कल होनी है, लेकिन अमेठी और रायबरेली से अभी तक कांग्रेस ने अपनी उम्मीदवारी घोषित नहीं की है। कांग्रेस ने इन दोनों ही सीटों को लेकर अभी अपने पत्ते नहीं खोले। खबर यह कि कांग्रेस अमेठी से राहुल गांधी और रायबरेली से प्रियंका गांधी को चुनावी मैदान में उतार सकती है। इसके लिए बाकायदा प्लानिंग जो है वो कर ली गई है। अमेठी और रायबरेली में 26 अप्रैल से नामांकन शुरू होंगे। सूत्रों का कहना है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी अमेठी और रायबरेली सीटों से चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। कहा जा रहा है कि इन सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान से पहले प्रियंका और राहुल अयोध्या जाएंगे और रामलला के दर्शन करेंगे। हमारी सहयोगी जो है वो जुड़ चुके हैं, उनका रुख कर लेते हैं। रंजीता, ये वही चेहरे हैं, वही नाम है जो लगातार सवाल उठा रहे थे प्राण प्रतिष्ठा को लेकर, लेकिन अब नामांकन से पहले खबरें आ रही हैं कि रामलला के दर्शन करने पहुंच सकते हैं। देखिए, 2024 लोकसभा का चुनाव, उत्तर प्रदेश की 80 सीटें और उत्तर प्रदेश का चुनाव जिस तरह से चल रहा है, ऐसे में कांग्रेस पार्टी को भी ये लग रहा है कि बिना राम भरोसे या बिना राम के उत्तर प्रदेश की जो नैया है वो पार कांग्रेस पार्टी की नहीं होगी। अमेठी और रायबरेली से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी नामांकन कर सकते हैं, ये सूत्रों के मुताबिक जानकारी निकल कर आ रही है। लेकिन उससे अहम ये कि 1 से 3 के बीच में जब नॉमिनेशन वो करेंगे, उससे पहले रामलला के दर्शन करने के लिए जाएंगे, ये सूत्रों का दावा है। उनका कहना है कि कांग्रेस पार्टी 26 को यानी कल जब वायनाड में जो वोटिंग है वो खत्म हो जाएगी, उसके बाद कांग्रेस पूरी तरह से अमेठी और रायबरेली के चुनाव में उतर जाएगी। ब्लॉक लेवल से लेकर अपने घोषणा पत्र को घर घर तक पहुंचाने का कार्यक्रम कांग्रेस ने पहले से ही शुरू कर दिया था। ये टारगेट रखा गया था कि डोर टू डोर जाकर कांग्रेस का जो न्याय है, 5 न्याय 25 जो गारंटियां दे रही है कांग्रेस पार्टी, उसको घर घर तक पहुंचाना है। और खासकर क्योंकि अमेठी का किला पिछली बार स्मृति ईरानी ने भेदा था, और ऐसे में एक बड़ी चुनौती है अगर अमेठी से राहुल गांधी चुनाव लड़ते हैं तो, उन्हें स्मृति ईरानी को हराना है, जो लगातार ये कह रही है कि अमेठी में इन 5 सालों में उन्होंने जो विकास किया है, यानी कांग्रेस उन विकासों की पोल खोलने की तैयारी कर रही है कि जो दावे किए गए हैं वो दावे खोलने की तैयारी जरूर है, लेकिन उम्मीदवारों की घोषणा ना कर पाना अपने आप में कई सवाल यहां पर खड़े कर रहा था। और अब जब रामलला के दर्शन करने पहुंचेंगे तो लोगों की ओर से कैसी प्रतिक्रिया आएगी वो भी हम आगे आपसे जानेंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत शुक्रिया।